दोस्तों आज के छोटे से वीडियो में सबसे ज्यादा पूछे हुए आप लोगों का दो कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूँ। फर्स्ट जो कमेंट है कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दादा ये जो टेलीकॉम कंपनीज का सिम होता है इसका एक्चुअल प्राइस कितना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि मैं जब BSNL का एक नया सिम खरीदने जा रहा था तो मुझे 50 रूपये लग गया। कोई बोल रहे थे कि मुझे 60 रूपये में मिला, कोई बोल रहा है 100 रूपये लग गया BSNL का नया सिम के लिए, कोई तो बोल रहा है 200-250 रूपये भी लग गया, कोई कोई तो ऐसा भी बोल रहा है कि हमारे यहाँ पे तो जियो का, एयरटेल का, VI का, BSNL का सबका जो सिम है ये फ्री में ही मिलता है। तो ये कितने हद तक सच है और इसका एक्चुअल प्राइस कितना है, दुकानदार को कितने में खरीदना पड़ता है, दुकानदार का प्रॉफिट कितना होता है सिम बेच के, सब कुछ इस छोटे से वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। उसके साथ दूसरा जो कमेंट है, आप लोग मुझसे बोल रहे थे कि दादा BSNL अभी पूरे देश में भूचाल फैला के बैठा है और BSNL अभी इतना ज्यादा क्रेज है BSNL का कि BSNL इन तीनों कंपनी को डुबा सकते हैं, एयरटेल, VI, जियो को। तो क्या जब BSNL 4G आएगा तो BSNL क्या इन तीनों कंपनी को डुबा देगा, स्पेशली जियो का भी क्या हालत है, ये सब कुछ आप लोग पूछ रहे थे कि जियो का तो बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए हैं, 1.29 करोड़ लोगों ने जियो को छोड़ दिया है, तो अभी जियो का क्या हालत है और एयरटेल VI का क्या हाल है, BSNL का क्या हाल है, ये सब कुछ मुझे बताइए। तो देखिए दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा, आप वीडियो देखते रहिए, देखते देखते वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों को पता ही है कि यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड सब कुछ मिलेगा और मैं हर इवनिंग के 7 बजे आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड खुशी की न्यूज लेकर आ ही जाता हूँ। उसके साथ नीचे ये भी कमेंट में बताना कि आपकी वहां पे गर्मी पड़ गया है, मुझे तो यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है इसलिए मैं गंजी पहन के वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे कितना ज्यादा गर्मी है या अभी भी ठंड है वो भी नीचे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। सो देखिए दोस्तों, फर्स्ट कमेंट, आप लोगों ने जब ये कमेंट किया मुझे तो मैंने एक दुकानदार के पास गया, स्पेशली वो जो दुकानदार है वो मोबाइल का शॉप है उनके पास, वो रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, मोबाइल का सिम वगैरह बेचते हैं, रिचार्ज वगैरह करते हैं, नया सिम, नया फोन ये सब कुछ खरीद बेचते हैं, वो मेरा दोस्त है, ठीक है। तो मैंने वहां पे गया और उनको बताया कि भाई ये जो सिम है, इस सिम जो है इसका प्राइस कितना है, तुझे कितने में ये मिलता है, कितना रुपीस देने के बाद तुझे ये सिम मिलता है, सच सच बताना, ठीक है, क्योंकि मुझे इस पे वीडियो बनाना है। तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि देख भाई ये जो एयरटेल और VI का सिम होता है ना, ये हम लोगों को 5 रुपीस में मिलता है। यस, एयरटेल का सिम, एक नया सिम दुकानदार 5 रुपीस में खरीदता है और VI का सिम 5 रुपीस में खरीदता है। उसके साथ BSNL का जो सिम है और जो यहाँ पे जियो का सिम है, ये दोनों सिम फ्री में ही मिलता है, कंपनी हर एक दुकानदार को जो छतरी वगैरह लगा के बेचते हैं उन सभी को फ्री में देता है, लेकिन वो लोग थोड़ा बहुत आप लोगों से 40-50 रुपया लेके वो सिम बेच देते हैं, तो दुकानदार भी किसी से 30 रुपया ले लिया, किसी से 50 रुपया ले लिया, लेकिन अगर आपसे ज्यादा लिया जा रहा है, जैसे कि 250 रुपीज 200 रुपीज 300 रुपीज लिया जा रहा है, तो वहां पे आप लोगों को 1-2 महीने का रिचार्ज भी मिलता है, ठीक है। तो रिचार्ज का पैसा भी कभी कभी लिया जाता है और सिम फ्री में ही दिया जाता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नया सिम के साथ 1 महीने फ्री भी मिलता है, तो ये हर एक सर्कल पे अलग अलग प्राइस है, लेकिन थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता ही है, ठीक है। तो समझ गए आप लोग कि नए सिम का प्राइस कितना होता है। देखिए अभी दूसरा कमेंट, अभी BSNL भूचाल मचा के बैठे हैं, ये सही बात है, इंडिया पे अभी BSNL का बहुत ज्यादा क्रेज है और BSNL का इतना ज्यादा क्रेज के बाद भी, जियो को इतने सारे लोग छोड़ जाने के बाद भी दोस्तों, जियो का अभी पूरे मार्केट में 36% एरिया को जियो कब्जे में है, ठीक है। उसके साथ एयरटेल के अगर परसेंटेज की बात करूं तो 30% एयरटेल का परसेंटेज है, उसके साथ VI का अगर परसेंटेज की बात करूं तो 23% VI का परसेंटेज है, और अगर BSNL का परसेंटेज की बात करूं तो ऑलमोस्ट 10% है BSNL का, ठीक है। इसमें से अगर थोड़ा बहुत हटा देते हैं ये पॉइंट वगैरह तो यहाँ पे MTNL और रिलायंस कॉम को जो है वो भी आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा, वो एकदम 0.008% 0.003% हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभी BSNL तो क्रेज है, BSNL का पूरे इंडिया में क्रेज है, उसके बाद भी अभी जियो का कितना ज्यादा मार्केट है, ठीक है, और एयरटेल कितना ज्यादा मार्केट है। तो मेरा ये BSNL के ऊपर वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि BSNL अभी पूरे मतलब इंडिया पे सस्ते रुपीज दे रहा है, सस्ते रिचार्ज वगैरह दे रहा है, हम लोगों को सस्ते रिचार्ज चाहिए, अगर BSNL देगा तो BSNL खरीद लेंगे, अगर जियो देगा तो जियो खरीद लेंगे, अगर एयरटेल देगा तो एयरटेल खरीद लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी BSNL गवर्नमेंट कंपनी है ना, इसीलिए हम सभी को लग रहा है, पूरे इंडिया को लग रहा है कि BSNL का जो रिचार्ज है उतना ज्यादा हाई नहीं होगा जितना इन लोगों ने कर दिया है, इसीलिए BSNL का सिम ज्यादा लोग खरीद रहे हैं और BSNL का सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम पे देखते हैं कि BSNL करता क्या है हम लोगों के लिए, तब तक के लिए चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि मैं हर इवनिंग के 7 बजे आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड खुशी की न्यूज लेकर आता हूँ, ठीक है। और नीचे कमेंट में जरूर बताना, मैंने जो पहले पूछा था कि आपके वहां पर गर्मी है अभी
ठंड है, ठीक है। उसके साथ दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।